चलो। हाँ देखो बेटा, आज का हम लोग क्लास जो है नॉन स्टॉक के ऊपर है, ठीक है। आज का हम लोग का जो क्लास है वो नॉन स्टॉक पे है। नॉन स्टॉक क्या है, तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन नीचे दिया हुआ है, क्लियर। ध्यान देखिए, सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब हो गया कि वर्गीकरण में इसका स्थान क्या है, किस जगह पे ये है और किस तरह का ये ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है। हम लोग जान रहे हैं इस नॉन स्टॉक को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्लांटी के मेंबर के रूप में पढ़ रहे हैं, हम लोग थैलोफाइटा के मेंबर के रूप में पढ़ रहे हैं। ऐसे नॉन स्टॉक जो है वो मोनेरा का मेंबर है, ठीक है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है। यहाँ क्लास दिया हुआ है, क्लास साइनोफाइसी। आप साइनोफाइसी आपको पढ़ाया गया और आप पढ़े हुए हैं। साइनोफाइसी जानते हैं हम लोग, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, ठीक है। ऑर्डर इसका जो है वो नॉस्टोकेल्स है, ऑर्डर जो है नॉस्टोकेल्स है, और जो फैमिली है वो नॉस्टोकेसी है। इसको याद कर लेंगे आप कि इसके सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोग को क्या क्या डालना है। तो इसके सिस्टमेटिक पोजीशन में क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी, और जीनस जो इसका होगा वो हम लोग ऊपर लिखे हुए नॉस्टॉक है, ठीक है। इसका जीनस जो है नॉस्टॉक है। आगे हम बढ़ रहे हैं, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब क्या होता है, ऑकरेंस मतलब पाया जाना या प्राप्ति स्थान होता है, ठीक है बेटा। तो नॉस्टॉक कहाँ कहाँ पाया जाएगा, नॉस्टॉक कहाँ कहाँ पाया जाएगा इसकी बात कर रहे हैं हम। तो स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक ऑकर इन फ्रेश वाटर, यहाँ देखो बेटा लिखा हुआ है नॉस्टॉक की जो जातियाँ हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है, यानी ऐसे पानी में पाई जाती हैं जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, खारा पानी नहीं होता है। नॉस्टॉक की जातियाँ हमें झील में मिल सकती है, नदी में मिल सकती है, नाले मिल सकती है, ऐसे जगह मिल सकती है, पैडी फील्ड में मिल सकती है, धान के खेत में मिल सकती है बेटा, ठीक है। नॉस्टॉक की जो जातियाँ हैं, नॉस्टॉक की जो जातियाँ हैं हमको कहाँ मिल सकती हैं, तो फ्रेश वाटर मिलेंगी, ठीक है। आगे लिखा बेटा, द फ्रेश वाटर स्पीसीज फॉर्म माइक्रोस्कोपिक कॉलोनीज, ठीक है। जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं वो इसमें लिख रखा है बेटा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी बनाती है बेटा। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, ऐसी कॉलोनीज जो हमको आँख से दिख जाएगा बेटा। यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी बनाती हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब हमको नेकेड आई से दिख जाएगा, ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पर तैरता हुआ दिख जाएगा बेटा। विच वेरी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, नॉस्टॉक की कॉलोनी का जो आकार रहेगा वो कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक चला जाएगा, कुछ मिलीमीटर से कई सेंटीमीटर तक चला जाएगा या डायमीटर तक चला जाएगा बेटा, याद रखिएगा। ईच कॉलोनी इज बाउंडेड एक्सटर्नली, जो कोई भी नॉस्टॉक की कॉलोनी होगी वो बाहर से घिरी होगी बेटा, बाहर से घिरी होगी। कैसी घिरी होगी, तो आप पेलिकल वर्ड पढ़े होगे, कुछ जीवों में पढ़े होगे, जैसे युगलिना में पढ़े होगे या पैरामीशियम में पढ़े होगे। इसके शरीर के चारों तरफ एक खोल होता है जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेलिकल द्वारा घिरा होगा, ठीक है। ये पेलिकल एक झिल्ली होती है। लिखा हुआ है नॉस्टॉक कॉम्यूनी, एग्जाम्पल है नॉस्टॉक कॉम्यूनी जिसके कॉलोनी के चारों तरफ पेलिकल होता है, यानी खोल होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्या, तो अ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एल्पाइन रीजन, एल्पाइन जंगल है बेटा, एल्पाइन क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल जातियाँ हैं नॉस्टॉक की, टेरेस्ट्रियल जातियों का मतलब क्या हो गया, ऐसी जातियाँ जो ज़मीन पे पाई जा रही हैं। ज़मीन का मतलब सूखा ज़मीन नहीं है, ठीक है, गीला रहेगा, मॉइस्ट। जैसे नदी और तालाब आप देखे होंगे, तो नदी और तालाब के किनारे जो होते हैं, नदी और तालाब के जो किनारे होते हैं वहाँ नमी होती है, वहाँ मॉइस्चर होता है। ऐसे जगहों पर कॉलोनी होगी। नॉस्टॉक का नाम क्या बताया गया, नॉस्टॉक कॉम्यूनी स्पीसीज ये है। और किस जगह की बात कर रहा है, एल्पाइन रीजन में टेरेस्ट्रियल स्पीसीज की बात कर रहा है। फॉर्म्स लेदरी, ठीक है, ये बनाता है, लेदर मतलब होता है चमड़े की तरह चीमड़, ठीक है, फर्गाइल नहीं होगा, आसानी से टूटेगा नहीं, थोड़ा सा लचीला होगा। फॉर्म लेदरी सीट ऑफ डैम सॉइल, मिट्टी के ऊपर एक रबर की तरह एक सीट, पतला परत बना लेता है, और उसके नीचे नॉस्टॉक की कॉलोनी होती है। सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक आर इंडोफाइटिक, नॉस्टॉक की कुछ जातियाँ बेटा इंडोफाइटिक हैं। इंडोफाइटिक का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे नॉस्टॉक हैं जो दूसरे पौधों के शरीर के भीतर पाए जाएंगे। दे ऑकर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद इन अदर प्लांट, ये पाए जाएंगे बेटा कहाँ पाए जाएंगे, दूसरे पौधों के ऊपर पाए जाएंगे और सहजीवन का काम करेंगे, सहजीवन सिम्बायोसिस का काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक पंक्टी फॉर्मिंग इज फाउंड इन कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस। आपको साइकस पढ़ाया गया होगा पिछले क्लासेस में, ठीक है, आपको साइकस पढ़ाया गया होगा, साइकस के कोरेलाइड जड़ में, ठीक है, साइकस के कोरेलाइड जड़ में नॉस्टॉक
पंथी फार्मिस पाया जाता है जो सहजीवन का काम करता है। इसके अलावा कुछ और भी जातियाँ हैं जो लाइकेन के बनाने में काम करती हैं, और इनका एसोसिएशन फंगस के साथ होता है बेटा, कवक के साथ होता है। नॉस्टॉक की जातियाँ हैं किसके साथ रहेंगी, तो कवक के साथ रहेंगी और लाइकेन को बनाने में मदद करेंगी। कुछ और जातियों के बारे में बात कर रहा है। सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक आर ग्रोन इन राइस फील्ड। आप अगर धान का खेत देखे होंगे, अगर धान की कटाई हो जाती है, कल्टिवेशन हो जाता है, उसके बाद जो नमी रहती है ज़मीन पे, ठीक है, वहाँ आपको लेदरी सीड दिखाई देता है या नॉस्टॉक की लेयर दिखाई देती है। ये जो नॉस्टॉक है जो धान के खेत में पाया जा रहा है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस नॉस्टॉक में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करने की क्षमता होती है, यानी ज़मीन तक पहुंचाने की क्षमता होती है। यानी नॉस्टॉक जो है हमारे फार्मर्स के लिए फ्रेंडली फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे किसानों के लिए, ठीक है, मदद करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़मीन तक पहुंचाता है, दस हेल्पिंग टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस तरीके से नॉस्टॉक जो है वो खेत की फर्टिलिटी को या उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, भारत में नॉस्टॉक की कितनी जातियाँ हैं, तो इन इंडिया नॉस्टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 26 स्पीसीज। नॉस्टॉक की लगभग 26 जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जातियाँ जो हैं आपकी इस वीडियो में दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट रीडिंग है थैलस स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का होगा थैलस स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। हम लोग जब थैलस स्ट्रक्चर एल्गी का पढ़ रहे थे तो नॉस्टॉक आया हुआ था फिलामेंटस एल्गी के फॉर्म में, ठीक है, तंतुवत एल्गी के रूप में हम लोग नॉस्टॉक को पढ़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है द ट्राइकोम्स ऑफ नॉस्टॉक। याद रखो बेटा, जो नॉस्टॉक का ट्राइकोम होता है, जो इसका थैलस होता है, वो फिलामेंटस होता है, वो धागे की तरह होता है, सीधा सीधा एक धागे के रूप में होता है, यूजुअली कंटोर्टेड एंड ट्विस्टेड इन वेरियस वे। नॉस्टॉक जो होता है कई तरीके से ऐंठा होता है बेटा, ठीक है, वो मुड़ा हुआ होता है, जैसे रस्सी मुड़ी होती है वैसे नॉस्टॉक मुड़ा होता है। एज इम्पॉर्टेंट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोडोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नॉस्टॉक के फिलामेंट की जो दो कोशिकाएं होती हैं, जिस जगह दोनों कोशिकाएं एक दूसरे को टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, वहां पे नॉस्टॉक की बाहरी दीवार थोड़ी सी दबी हुई होती है, उस जगह पे नॉस्टॉक की बाहरी दीवार हल्की सी दबी होती है। आप जाके थैलस स्ट्रक्चर को देखिएगा, विच गिव्स, ठीक है, उनके दबने कारण एडजेसेंट सेल द करेक्टरिस्टिक मोलिनी फॉर्मिस अपीयरेंस। इस तरह दबे होने की संरचना को हम लोग मोलिनी फॉर्मिस अपीयरेंस बोलते हैं। तुला ट्राइकोम, ट्राइकोम का ये संरचना नॉस्टॉक में पाया जाता है। आगे बेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ईच ट्राइकोम इज एनवलप्ड बाई इन अ जिलेटनस सीथ। नॉस्टॉक का कोई भी ट्राइकोम देखिए, नॉस्टॉक का कोई भी फिलामेंट देखिए, इसके नॉस्टॉक के तंतु को ही ट्राइकोम बोला जा रहा है। इस फिलामेंट के ऊपर एक जिलेटिनस कवर होता है, यानी जेली के समान एक आवरण होता है जो पारदर्शी होता है, याद रखो बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है, हाइलाइन होता है और कलर्ड होता है या रंगीन भी हो सकता है। यूजुअली मेनी ट्राइकोम्स एग्रीगेट टुगेदर। प्राय होता है क्या है, ढेर सारे ट्राइकोम्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, यानी नॉस्टॉक के कई फिलामेंट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और एक जगह जब इकट्ठा होते हैं तो इन सभी का जिलेटनस इन्वलप जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और इनके जुड़ने से एक कॉलोनी बन जाती है, यानी एक समूह बन जाता है, फॉर्म अ कॉलोनी ऑफ वेरियस शेप। इस कॉलोनी का जो आकार है वो अलग अलग तरह का हो सकता है बेटा, ठीक है, गोल हो सकता है, त्रिकोणाकार हो सकता है, अलग अलग शेप कॉलोनी ले सकती है नॉस्टॉक की। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, द ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक आर करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस। अगर नॉस्टॉक के फिलामेंट को हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो अगर नॉस्टॉक के फिलामेंट को देखते हैं तो उसमें हेट्रोसिस दिखाई देता है, उसमें जगह जगह पे हेट्रोसिस दिखाई देता है, आप डायग्राम को देखेंगे। अब हेट्रोसिस क्या होता है, हेट्रोसिस पूरे फिलामेंट, सपोज दैट कि नॉस्टॉक के एक फिलामेंट में 100, 200, 500 कोशिकाएं हैं, तो अगर 200 कोशिकाओं के बीच में अगर कोई स्पेशल सेल मौजूद है जिसे हम लोग हेट्रोसिस बोल रहे हैं, अगर दो कोशिकाओं के बीच में कोई कोशिका मौजूद है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी, इसका हिंदी होता है अंतर्विस्ट, ठीक है। तो हेट्रोसिस जो होता है वो कोशिकाओं के बीच में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हेट्रोसिस जो होता है वो फिलामेंट के किनारे पर भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर हेट्रोसिस किनारे पर है, याद रखिए बेटा, अगर हेट्रोसिस नॉस्टॉक के फिलामेंट में सबसे अंतिम कोशिका के रूप में है, यूजुअली सोलिटरी एंड मच सेम साइज, याद रखो बेटा, उसका साइज और शेप जो होता है वेजिटेटिव कोशिकाओं के, यानी
हेट्रोसिस का जो साइज और शेप होता है वो काई कोशिकाओं के बराबर ही होता है। द इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट हैव टू पोलर नोड्यूल्स, याद रखो बेटा, ऐसे ऐसे हेट्रोसिस्ट जो बीच में है यानी फिलामेंट के बीच में, उन हेट्रोसिस्ट में दो पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम अभी बता देंगे, दो पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि टर्मिनल हेट्रोसिस्ट में केवल एक पोलर नोड्यूल पाया जाता है, जबकि टर्मिनल हेट्रोसिस्ट में केवल एक पोलर नोड्यूल पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, नॉस्टॉक के सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, यानी नॉस्टॉक के फिलामेंट में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो कैसी हैं। द सेल्स आर स्फेरिकल आर राउंडेड, याद रखो बेटा, नॉस्टॉक की जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार होंगी, ठीक है, गोलाकार होंगी। एग्जिबिट टिपिकल साइनोफाइसिन स्ट्रक्चर, जब इन कोशिकाओं के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो ये जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो साइनोफाइसियल सेल होंगी। साइनोफाइसियल सेल का मतलब क्या हो गया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ना कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हम लोग एल्गी में सारी जितने भी प्लांट पढ़ रहे हैं वो सबके सब यूकैरियोटिक हैं, इनको छोड़ करके। द सेल वॉल इज म्यूकोपॉलीमेरिक, आप जान रहे हैं कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपॉलीमेरिक होती है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉस्टॉक भी उसी के श्रेणी का ऑर्गेनिज्म या प्लांट है। द प्रोटोप्लास्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेरीफेरल क्रोमोप्लास्ट, याद रखो बेटा, नॉस्टॉक का जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें चारों ओर, यानी उसका जो कोशिका द्रव्य है उसमें चारों ओर क्रोमोप्लाज्म पाया जाएगा, रंगीन संरचना पाई जाएगी। एंड सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियोप्लास्ट, अगर बीच में जो क्लोरोप्लास्ट है या बीच में जो प्रोटोप्लास्ट है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, कोई न्यूक्लियस का संरचना नहीं रहेगा। द क्रोमोप्लाज्म हैज पिगमेंट, याद रखो बेटा, नॉस्टॉक का जो क्रोमोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य का वो भाग जो बाहर है, ठीक है, उसमें पिगमेंट पाए जाएंगे, उसमें रंग पाए जाएंगे। कौन कौन से रंग पाए जाएंगे, आप लोग साइनोफाइसी पढ़े हुए हैं तो उसमें लिखा हुआ है साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स रहेंगे, और इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च होगा। द सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म इज न्यूक्लियर रीजन, याद रखो बेटा, बाहर वाले भाग में तो कलर हो गए लेकिन सेंट्रल वाले भाग में कलर नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, ये संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह नहीं होगी क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी नॉस्टॉक की कोशिकाओं में मिलने वाला केंद्रक जो है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस किसका एग्जांपल होता है, तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉस्टॉक के रिप्रोडक्शन को दे देंगे, ठीक है, डाल देंगे।